नमस्कार किसान भाइयों, सुमित यादव बरेली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, हमारा पेडी प्लांटेशन हो चुका है, धान की फसल लग चुकी है और आज इसको संडे हो गया है, तो आज 8 दिन के लगभग हो गए हैं। पिछले संडे को ही लग के तैयार हुआ है। अब आज हम इसमें खाद डालने जा रहे हैं। 2 एकड़ के लगभग हमारा जो धान है, इसमें हम 2 कट्टे NPK के डाल रहे हैं, प्लस 6 किलो हमारा बरोज जो अडामा कंपनी का है वो डाल रहे हैं, प्लस 8 किलो हमारा जो टॉर्मोस है अडामा कंपनी का वो डाल रहे हैं। अब इन दोनों की हम बारीकियां आपको बताएंगे कि इसमें डालने से हमारा क्या क्या फ़ायदा है। टॉर्मोस प्लस बरोज दोनों के बारे में डिटेल से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो हमारा बरोज है, इंसेक्टिसाइड पर बहुत अच्छा इसका कंट्रोल है। बरोज जो है हमारा अडामा कंपनी का है। ये कंपनी ने किस पर्पज़ से बनाया है, लीफ फोल्डर, सीथ ब्लाइट, स्ट्रैम बोरर, तीनों को रोकता है, बढ़िया तरह से काम करता है। प्लस इसमें जिंक की मात्रा 0.99% है, ऐसा बताया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है जिंक का इन्होंने। लेकिन इसमें क्या है, कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 7.5%, प्लस इमावेक्टिन बेंजोइड 0.25% इसमें दिखाया गया है। जो अपना लीफ फोल्डर, सीथ ब्लाइट, स्टैम बोरर, तीनों पे बहुत अच्छी पकड़ है इसकी, बहुत अच्छा काम करता है ऐसा बताया है। मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ और 3 किलो प्रति एकड़ की इसकी डोज है। अगर बात की जाए रिटेल में तो ये लगभग 950 से 1000 के समथिंग आपको इजीली हर दुकान पे मिल जाएगा जहाँ तक है। और अच्छा रिजल्ट बताया है इसमें, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है और दाना दाना कोटेड है अपना जिंक से। और किसान भाई, ये जानकारी किसी प्रचार प्रसार के लिए नहीं दे रहा हूँ, किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, मैं अपने खेत की जानकारी दे रहा हूँ। आप जो भी लगाएं अपनी जिम्मेदारी पर लगाएं। हमारे टॉर्मोस में होता है ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, सीवीड्स प्लस माइकोराजा, जो अपने पौधे की जड़ों का विकास करता है, पानी संघनन क्षमता बढ़ाता है, पौधे के लिए वृद्धि प्रदान करता है, कल्ले लेने में सहायता करता है, पौधे को तंदुरुस्त बनाता है और फसल को एकदम हरी भरी रखता है। इसका मेन काम है, उद्देश्य यही है टॉर्मोस का। बरोज अपना ये इंसेक्टिसाइड होता है और मैं हर साल की तरह हर फसल में जो भी अपने खेत में डालता हूँ उसकी जानकारी आपको बारीकी से देता रहता हूँ समय समय पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।